क्योंकि विनेश फोगाट भी राजनीति में उतर गई है, तो क्या कहेंगे? इतना ही कहूंगी, अपना अपना निर्णय है, अपनी अपनी सोच है, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है। ये मैदान सबके लिए ओपन है, कोई भी आए और कोई भी कर सकता है राजनीति, ये सबके लिए मैदान ओपन है। क्योंकि आपके पिताजी ये कहते हैं कि 2028 का ओलंपिक, बिल्कुल एक गुरु तो अच्छी राह दिखाएगा और अच्छी शिक्षा देगा, और गुरु तो हमेशा चाहेगा कि हम, मैंने जिस राह के ऊपर अपने बच्चों को भेजा है, वो बच्चे निश्चित रूप से उस काम को लक्ष्य तक लेके जाएं। कोई भी गुरु अपने बच्चे को मार्गदर्शन से भटकता हुआ कोई भी गुरु नहीं देख सकता। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी शिष्य अगर मार्ग से भटकता है, तो उसको सही राह दिखाना वो गुरु का फर्ज है और दायित्व। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपके परिवार में आपने एक बयान दिया था कि हमारे परिवार में राजनीति न करें, आज वो सक्सेस हो गए, क्या कहेंगे? वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि वो तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और परिवार, ये कांग्रेस का जो है ये एजेंडा रहा है, फूट डालो राजगुरु की नीति का, और ये हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। चाहे वो भारत को तोड़ने का काम किया हो, चाहे वो परिवारों को तोड़ने का काम किया हो, कांग्रेस ने हमेशा फूट डालकर और परिवारों को या देश को तोड़कर राजनीति की है। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, वो परिवारों को भी जोड़ते हैं, देश को भी जोड़कर, और निश्चित रूप से सभी को साथ लेके, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतकर उस नीति के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम भी उन्हीं की तरह मार्गदर्शन पे चलकर इसी तरह ही सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतकर मेहनत करेंगे और कमल के फूल को। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।